जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में किसानों को आचार संहिता के चलते ऋण स्वीकृति पर लगी रोक अब हुई शिथिल, जिससे जितने पुराने रिन्यूअल केस को ऋण स्वीकृति करने आदेश पारित हुआ है। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में ऋण स्वीकृत किए जाने को लेकर किसानों की लगातार मांग की जा रही थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के चलते लगे आचार संहिता के कारण ऋण स्वीकृति पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद किसानों को ऋण स्वीकृति को लेकर परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा था। बता दें, केंद्रीय सहकारी बैंक में मध्यकालीन और दीर्घकालीन पर किसानों को ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसमें बैंक ऋण समिति द्वारा 5 सदस्यीय टीम द्वारा ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिस पर आचार संहिता के चलते रोक लगाई गई थी। वहीं बैंक प्रबंधन के द्वारा दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से चर्चा कर संज्ञान में लाया गया। इसके बाद पेंडिंग पुराने रिन्यूअल कैश को ऋण स्वीकृत करने आदेश पारित किया गया और बाकी किसानों का आचार संहिता के समाप्त होते ही पुनः सभी ऋण प्रक्रिया का स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SK जोशी ने जानकारी दी। हमारे यहाँ जो मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण जो स्वीकृत होता है वो ऋण समिति के माध्यम से होता है, और उसमें 5 पदाधिकारी अधिकारी मिलकर के कमेटी के सदस्य हैं। तो आचार संहिता लगने के कारण से ऋण समिति की बैठक नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऋण स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। लगातार किसानों का भी मांग आ रहा था, तो हमने इस बात को कलेक्टर मैम, जो बैंक का OIC है, उसके संज्ञान में लाए हैं। तो कल उन्होंने हमें अनुमति दिए हैं कि आप जो है ऋण उप समिति के प्रत्याशा में जितने रिन्यूअल वाले केस हैं, पुराने प्रकरण हैं, उनको स्वीकृति दें, और जब आचार संहिता ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग ऋण उप समिति की बैठक में उसकी पुष्टि करेंगे। तो हाँ, बाद में भी हमारे पास आए हैं। लगातार प्रक्रिया है बैंक में, कोई निश्चित समय में ऐसा होता नहीं है। जब जिसकी ज़रूरत होती है वो आवेदन करता है बैंक में ऋण के लिए, और हम लोग सैंक्शन करते हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। बड़ी जो फसल ऋण है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसके लिए कोई कमिटी नहीं होती है, उसका अलग से प्रक्रिया ऋण देने का, वो निरंतर चलते रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं आती। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।